मनो मनो मनु भाजी ते बंगड़ा पावांगे ते गिद्दा भी पावांगे सर डेफिनेटली जो मैं रिजल्ट चाहता हूँ अगर वो आया तो हम कितने भी पाएंगे सर बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन में मैच दोस्तों मनु पंजाबी जी को आप सुन रहे थे हमारे साथ मनु अलग अलग किरदार निभा रहे हैं और आप देख रहे हैं SIPL सीजन 1 ऑर्गेनाइज्ड बाय शास मीडिया एंटरटेनमेंट इन एसोसिएशन विद संतोष जी गुप्ता एंड फ्रेंड्स दुबई अमित फुटाडो हम आभारी हैं नगमा खान जी के संतोष गुप्ता जी के अमित भाई फुटाडो के जिन्होंने ये शो गोवा की सरजमीन पर लाकर हमें एक बड़ा पिक्चर दिखाया जाना चाहता हूं या जा रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से ग्रिप जमा लिया है फील्डिंग की नहीं डेफिनेटली देखिए बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में उन्होंने ऑपोजिशन को आउट प्ले किया है यू गॉट टू डोमिनेट व्हाटएवर यू डू एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली किरदार भले आपको जैसे आप एक्टिंग के करियर में भी देखते होंगे कई बार आज अग्निपथ फिल्म में जब अमिताभ के रोल की चर्चा हुई साथ में मिथुन चक्रवर्ती का जो आई एम कृष्ण नय्यर MA नारायण पालीवाला उनकी भी उतनी सराहना हुई सो प्ले योर रोल इट्स योर लाइफ मेक इट लार्ज लाइक आप चाहे तो कुछ पल के अंदर भी एक माहौल बना सकते हैं लोगों को आकर्षित कर सकते हैं और अभी इस मैच को जीत कर भी दिखा सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद अब कुछ देर बाद रनों की बौछार हमारे सामने होने लगेगी और हम क्रिकेट अड्डा स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अड्डा क्रिकेट के बारे में और ज्यादा बात कर पाएंगे जी हाँ cricketadda.com 4 आना बहुत जरूरी है अब अतुल पाटिल तैनात के राउंड द विकेट कमेंट्री बॉक्स शोर से हमसे दूर जाते हुए इस बार बॉल दायरे के बहुत ज्यादा बाहर और वाइड बॉल अर्शद ठोमरे गेंदबाजी करते हुए स्कोर अब 28/2 और जबकि मनु भाई आप देखिए ये पहली एक्स्ट्रा रन आई है मतलब गेंदबाजी में अनुशासन है स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी है विविधता है और ये विविधता भरी गेंदबाजी SSCC टीम को एक मजबूत दावा पेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है हर्षद की गेंद इस बार उठाकर खेलने का प्रयास बीट हुए भावेश शेलार ये भी घाटकोपर पटवाड़ी के बहुत अच्छे खिलाड़ी है क्रिकेट प्रशिक्षक रह चुके हैं और उनकी अपनी एक अकेडमी है लिटिल वंडर्स क्रिकेट अकेडमी चंद्रकांत शेट्टी के साथ में बहुत अच्छा एकेडमी का काम देख रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो वो सबक बच्चों को सिखाते हैं वो सबक यहाँ उन्हें दिखाना होगा 28/2 इस बार भी बॉल बहुत ज्यादा कालिया नाक की तरह फुंकारती हुई बाहर निकली और विकेट कीपर ने गैदर किया यहाँ से मुझे ऐसा लगा जैसे वाइड बॉल हो गया हाँ लेकिन क्या है मनु भाई के अंपायर का स्विंग मिला था राइट एब्सोल्युटली स्विंग शेपिंग अवे फ्रॉम द लेफ्ट एंडर उस तरह की ये गेंद थी और अच्छा नियंत्रण रहा था हर्षद ठोंबरे का इस बार शरीर से दूर जरूर खेला है वाइडिश गली की ओर जाती हुई गेंद से रोका गया है मनु भाई एक चीज तो है कि अरेबियन सी में जाने के लिए आपको रबर का टायर नहीं हवाई जहाज चाहिए डेफिनेटली सर डेफिनेटली जैसा कि मैं शायद हो सकता है थोड़ा स्टार्टिंग से फील्डिंग टीम के थोड़े से फेवर में होऊंगा या तो या हो रहा होगा फेवर में जैसा मैं पहले भी कह रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी अरेबियन सी के अंदर शायद इन्हें हाथों हाथ एक जहाज उतारना पड़ेगा जिससे शायद ये परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं वरना जो स्थिति बन रही है वो अभी बैटिंग टीम की तरफ जा रही है और देखिए और ये शानदार शॉट सर जिसकी बात चल रही थी वो हो गया सर skyexch.com 6 skyexch